मैं तो इतनी भुलक्कड़ हूँ कि वीडियो बना के ही भूल जाती हूँ कि वीडियो पोस्ट भी करना है। अगर आप लोगों को याद हो, महीने भर से ऊपर हो गया जब मैं बहुत सारा कबाड़ इकट्ठा करके लाई थी और आप लोगों को बताया था कि कहाँ से मैं अपना ढेर सारा कबाड़ उठा के लाती हूँ और वो सारा अपने गार्डन में संभाल लेती हूँ। उसके बाद मैंने आपको बोला भी था कि जब कुछ चेंजेस करूँगी, कुछ गार्डन में बदलाव करूँगी तो उसका वीडियो आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। वीडियो बन भी गया, सेटिंग भी चेंज हो गई, पर वीडियो आप तक पहुंचा ही नहीं। क्यों? अब क्यों वाली क्या बात है भैया, वीडियो बना के भूल गई थी। जब फ़ोन में मेमोरी की प्रॉब्लम आती है ना कि मेमोरी ख़त्म हो गई, तब भूले बिसरे वीडियोज याद आते हैं कि बने पड़े हैं, इसीलिए मेमोरी नहीं बची। नमस्कार, वेस्टी वेस्टी पर आप सभी का ढेर सारा स्वागत आज मेरे इस छोटे से जंगल के साथ। जब जब मैं पूरी बालकनी का ओवरव्यू देती हूँ तो मेरे बहुत सारे भाई बहन ये सोच के परेशान होते हैं कि आखिरकार मेरी बालकनी का शेप क्या है। तो देखिए, दरवाजे पे मैं खड़ी हूँ और दरवाजे के बाहर ये सीधा लंबी सी बालकनी जाती है, जो कि मैं कई बार बता चुकी हूँ कि एल शेप में बालकनी है। एक सिरा वो हो गया और एक सिरा हो गया ये, है ना, एल शेप की हो गई। अब बहुत सारे मेरे भाई बहन नाराज भी हो जाते हैं कि कुछ ढंग से समझ नहीं आया कि बालकनी में कहाँ क्या शेप है। तो आप देख रहे हैं ना कितनी कंजेस्टेड है बालकनी, इतना स्पेस ही नहीं है कि जहाँ से मैं खड़ी होकर पूरे एल शेप का व्यू आपको दिखा सकूँ, नामुमकिन। छोटा छोटा सा हिस्सा आपको किस्तों में दिखाना पड़ता है। बस मोटा मोटा आप ये समझ लीजिए कि एल शेप है तो एक सिरा ये हो गया जो थोड़ा सा पतला है। पौधे आप नज़र डालते ही जा रहे हैं, यहाँ पर कोने पे बहुत सारा एलोवेरा डाल दिया क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा धूप नहीं चाहिए, तो यहाँ पर अपना ये सर्वाइव करता रहेगा। छोटी सी जगह में हर पौधा जिंदा रहे, हर पौधे को मिनिमम जितनी ज़रूरत है, कम से कम उतनी धूप तो मिल सके, बस वही सारा एडजस्टमेंट करने की कोशिश में कब 24 घंटे में से 24 घंटे ख़त्म हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। ढेर सारी अपनी फुलवारी, सब कुछ मैं हल्के से हल्का करना चाहती हूँ जिससे कि बालकनी पे ज़्यादा लोड भी ना हो। मैक्सिमम मेरा बोतलों पे इतनी सारी फ्लावरिंग, ये जो अनाप शनाप देख रहे हैं ना, सारे बोतलों में फूल खिले हैं। हर छोटी से छोटी चीज़ जो मैं इस्तेमाल करना चाहती हूँ, और यही मेरा मकसद है कि हर छोटी से छोटी चीज़ को, हर बेकार चीज़ को आप एक नया जीवन दे सकें, उसमें एक उम्मीद को तलाश सकें और अंधियारे में भी उजियारे की एक किरण ढूंढ सकें। सिर्फ यही मेरा मकसद। तो ना तो मैं महंगे गमले भरना चाहती हूँ, ना महंगे पौधे भरना चाहती हूँ, सिर्फ जुगाड़ करके उन सब चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहती हूँ जिसको आप कचरा समझ के फेंकते हैं। और वही बीच बीच में बताती रहती हूँ, कभी इस चैनल पर या बहुत सारे जुगाड़, ज़्यादातर मैं दूसरे चैनल अपना जो जुगाड़ू बेस्टी है वहाँ पर शेयर करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर पेड़ पौधों की वजह से बहुत सारे वीडियोज हो जाते हैं पौधों के। ये देखिए, टेलर बर्ड ने जो अपना घोंसला बनाया था, चिड़िया नहीं आई, और आप में से बहुत सारे लोगों ने इस घोंसले के बारे में पूछा भी, तो घोंसला बेचारा खाली पड़ा है अभी, तो फ़िलहाल इसको तोड़ के रख लिया है क्योंकि वीडियो एक महीने से ऊपर हो गया पुराना। सिर्फ वॉइस ओवर अभी कर रही हूँ, बाकी सब कुछ बना पहले का है। सब कुछ रेलिंग से इस तरफ से लेके रेलिंग के उस तरफ, एक इंच भी जगह आपको ऐसी नहीं दिखेगी कि जहाँ पर आपको लगे कि इसको और भी इस्तेमाल किया जा सकता था। अनाप शनाप पौधों के बीच में भी आपको ना तो कोई बहुत ज़्यादा लोड नज़र आएगा, क्योंकि हल्के हल्के से प्लास्टिक के कंटेनर्स, प्लास्टिक की बोतलें, सब कुछ जब हल्का रहता है तो हमारी बालकनी पे, हमारी छत पे ना तो वज़न का डर रहता है और ना ही कोई हमारी पॉकेट पे लोड पड़ने का डर रहता है। सब कुछ मज़े मज़े में होता है, कूल होके होता है, और सबसे अच्छी बात अपने दिल की संतुष्टि होती है कि बिना खर्च में जो चीज़ें हमें मिल गई, बस उनको हमने बुद्धिमत्ता पूर्वक यूज कर लिया, ये सबसे बड़ी संतुष्टि होती है अपने दिल की। ये देखिए, जो एल शेप का हिस्सा मैंने दिखाया था, तो वहाँ से जहाँ से एलोवेरा पड़ा था वहाँ से शुरू हुआ था और यहाँ पे आके हो गया ख़त्म। इधर सारे
अपना बड़े बड़े पौधे मैंने लगा दिए, और चूँकि जब ये वीडियो बनाया था तो मैंने सारे पौधों की कटिंग कर दी थी, गुड़हल गुलाब जो भी पौधे थे सब की कटिंग कर दी थी, क्योंकि बुरी तरह से जंगल बन चुका था। और जब पौधे बरसात में अनाप शनाप बढ़ते हैं ना तो डर लगता है कि कहीं कोई कीड़ा मकोड़ा छुपा ना बैठा हो, तो मैंने सारे की कटिंग कर दी थी। तो आपको बस यही अपना सीजनल फूल ही दिखेंगे, बाकी गुड़हल गुलाब कुछ भी नहीं दिखेगा, है ना। तो एक एल शेप बालकनी का एक हिस्सा आपने देख लिया, और एक एक हिस्सा मैं कवर करूँगी, दाएं हाथ का फिर बाएं हाथ का, ऐसे करके तभी मैं दिखा पाऊँगी, क्योंकि पूरा जब जगह की कमी होती तो पूरा एक साथ कैमरे में कवर नहीं हो पाता है। यही मेरी समस्या है, और इसी वजह से कई सारे भाई बहन इरीटेट भी हो जाते हैं। तो थोड़ा सा मेरी समस्या को भी समझने की कोशिश करिए कि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, पर जब बड़ी जगह होती तो वहाँ से आप पूरे व्यू को एक साथ कैमरे की एक नज़र में कैप्चर कर सकते हैं, छोटी जगह में असंभव होता है। देखिए लेफ्ट हैंड का हिस्सा मैं दिखा रही हूँ बालकनी का, अब उसके बाद जब लेफ्ट हैंड का मैं दिखा दूँगी तो बढ़ूँगी राइट हैंड पे। ये देखिए इसी के सामने की साइड में ये भी पौधे लगे हुए हैं। तो बस मैं लुक दे रही हूँ, मैं कोई पौधे के बारे में नहीं बता रही हूँ आपको, जहाँ पर ज़रूरत पड़े तो वीडियो का टाइम बता के आप पूछ सकते हैं, तो वो मैं आपको कमेंट में बता दूँगी, है ना। तो यहाँ पर देखिए आपको तिल डालने की अगर जगह ढूंढनी हो तो वो भी आप नहीं ढूंढ पाएंगे। ये सब करने के बाद पता चला कि शौक क्या होता है, जो आपने कभी सोचा ना हो वो हो जाता है। जगह ना होने के बावजूद भी सब कुछ उतनी जगह में सिमटे सिकुड़े सब बेचारे एडजस्ट कर लेते हैं। कभी कभार जब बारिश का मौसम होता है तो कई बार जब इतने पौधों में ध्यान ना दे पाओ तो कुछ एक पौधे दम भी तोड़ जाते हैं। वैसे तो कोशिश करती हूँ कि भले ही मैं गीली हो जाऊँ, मेरे साथ कोई भी समस्या आ जाए, पर पौधा जिंदा रहे। पर कई बार जो हम चाहते हैं वो नहीं होता है, पर रेयरली ऐसा होता है कि कोई पौधा मरे। सबको बचाने की मैं पूरी कोशिश करती हूँ। और ये देखिए ये था वो सेटअप जो मैंने बनाया था। बहुत सारी मैं ये जाली नुमा कुछ पड़ा था ऑफिस में, लोहे की जालियाँ थी, वो जालियाँ मैं लाई थी। और जालियाँ रखने के पहले देखिए इधर रेलिंग पे मैंने कई सारे गमले पीछे के साइड लटका दिए, कुछ वो गमले जिन पौधों में बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि पाइप से पानी देंगे तो पानी तो आप कितनी भी दूर तक दे सकते हैं, खाद वाद अगर बार बार उन पौधों को नहीं देनी है तो तसल्ली के साथ अपना रेलिंग पे लटके रहेंगे। जगह को मैनेज करना अपने लिए बहुत ज़रूरी। उसके बाद यहाँ पर देखिए मैंने वही जालियाँ लगा दी, डबल करके लगाई थी जो आपको मैंने पहले ही दिखाया था, और इसके ऊपर मेरे कितने सारे पौधे एडजस्ट हो गए। इसीलिए तो मैं दौड़ के गई थी और ये सब ले के आई थी कि इन जालियों को ऊपर मेरे 500 पौधे एडजस्ट हो जाएंगे। काफ़ी मजबूत हैं, कुछ बिगड़ेगा भी नहीं, वैसे ही कबाड़ में पड़ी थी, बारिश में ही पड़ी थी, तो यहाँ पर भी अगर बारिश में पड़ी हैं तो मेरे ख्याल से कोई नुकसान नहीं है। और यहाँ पर देखिए इन्हीं ये जो जालियाँ हैं इन्हीं पर मैंने अपना हुक्स लगा के काफ़ी सारी हैंगिंग्स भी टांग दी। तो ये देखिए ये अपना जुगाड़ हो गया तीन लेयर में, एक तो ऊपर पौधे रखे हैं, बीच में अपनी ये हैंगिंग्स लगा दी, और कुछ पौधे नीचे वाली रो में भी एडजस्ट हो गए। बस हमें सोचना समझना ये पड़ता है कि कौन सा पौधा कहाँ पर सर्वाइव कर सकता है। जैसे कि जिन पौधों को धूप चाहिए वो मैं ऊपर रखूँगी, जो थोड़ी सी कम धूप में चलेंगे उनको बीच में लटका दिया, और जो बिल्कुल छाया वाले हैं जैसे मनी प्लांट हो गया मैंने नीचे वाली रो में डाल दिया, तो बस इनमें ब्राइट लाइट आती रहेगी तो ये पौधे सर्वाइव करते रहेंगे। जब हम लेयर बनाते हैं पौधों की तो हमें सबसे पहले यही ध्यान रखना होता है कि किस पौधे को हमें धूप ज़्यादा दिखानी है, उसी हिसाब से हम पौधे रखते हैं। स्नेक प्लांट यहाँ पर ब्राइट लाइट में चलता रहेगा,
है ना। चलिए अब इसी के देखिए सामने के साइड, ये जो मैंने नया सेटअप बनाया, तो पहले यहाँ पर ये सीढ़ी रखी होती थी एल्युमिनियम की, तो यहाँ पर भी सीढ़ी पे भी मैंने बहुत सारे पौधे सेट कर रखे थे, पर चूंकि वो नया सेटअप उधर बनाया तो मैं सीढ़ी को कहाँ पे एडजस्ट करती, पूरी बालकनी में तो पौधे हो गए, तो सीढ़ी रखने की भी जगह चाहिए। तो मैंने क्या किया, इसको सामने की साइड पूरी नहीं खोली मैंने सीढ़ी, बस ऐसे इसको रख दिया कि जहाँ पर छोटे छोटे कुछ पौधे भी मैं यहाँ पर रख सकूँ, जिससे कि सीढ़ी जो स्पेस कवर कर रही है उस स्पेस का मैं भरपूर फ़ायदा उठा पाऊँ। अपनी बस यही कोशिश रहती कि कैसे कम से कम जगह में ढेर सारे पौधे। यहाँ पर देखिए भैया, चार लेयर में पौधे रखे हुए हैं मैंने एक खिड़की के ऊपर। ये देखिए ऊपर मैंने कैक्टस रख दिए, जब तब पानी देना होता है तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती, आराम से सुकून से रखे रहते हैं, ना बारिश का खतरा ना कुछ। तो सबसे ऊपर वाली रो में मैंने इनको रख दिए, और उसके बाद नीचे और तीन लेयर में पौधे रखे हुए हैं। तो यहाँ पर आप समझ रहे होंगे कि जुगाड़ की बिल्कुल हद हो गई। अब इतने जुगाड़ अगर मैं ना करूं तो मैं इतने सारे पौधे कैसे एडजस्ट कराऊं? तो लगता है लाइफ में जुगाड़ ही बचा है। अभी भी ख़त्म नहीं हुई है बालकनी की ये हरियाली, अभी भी देखिए इस कोने का भी आपको दिखाना बाकी है ना। तो कहीं पर भी एक इंच भी मुझे ऐसी जगह नहीं दिखती है जहां पर एक और पौधा एडजस्ट हो सके, पर फिर भी शौक ऐसा कि 10-15 दिन नर्सरी ना जाओ तो लगता है बहुत काम छूट गए, बहुत दिनों से कुछ सूना सूना सा है, और ना चाहते हुए भी एक दो पौधे तो आ ही जाते हैं। ये देखिए प्लास्टिक के बड़े बड़े से गमले मैंने दीवार पे टांग रखे हैं, और आपको बताया भी है कि आप भी ऐसे ही टांग सकते हैं। कुछ मेरे भाई बहन पहली बार अगर वीडियो देखें या कुछ पूछने की ज़रूरत है तो वीडियो का टाइम बता के पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। ये देखिए ऊपर से नीचे तक जहाँ जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ वहाँ तक आपको पौधे ही पौधे नज़र आएंगे। गिलोय तक को फैलने की जगह नहीं मिली है, तो गिलोय बेचारा भी नेट फाड़ के ऊपर पहुँच गया है। कुछ के ऊपर भी बास्केट्स लटकी हुई हैं, तो ऊपर से नीचे तक आपको हरियाली और सिर्फ हरियाली ही दिखेगी। जो न कभी सोचा था कि इतना गागर में सागर भर जाएगा, उससे ज़्यादा हो गया। तो आप भी अगर उस नज़रिए से नहीं देखेंगे कि कुछ भी फैंसी नहीं दिख रहा है, तो आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे, और जो समझ में ना आए वो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं तो सिर्फ दिखा रही हूँ। ज़्यादातर क्या लगभग सारे ही जुगाड़ शेयर हो चुके हैं, तो जो रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको सबको पता है कि यहाँ पर मेरी हर चीज़ में कलाकारी छिपी हुई है। पैसे खर्च करने में मैं बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती। पैसे खर्च किए तो जुगाड़ का जो अपना सुकून होता है, सेटिस्फेक्शन होता है, वो नहीं मिलता है, और मैं उसी सेटिस्फेक्शन की तलाश में ढेर सारे जुगाड़ करती रहती हूँ अपने उन भाई बहनों के लिए जो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, कभी उनकी पॉकेट अलाउ नहीं करती, और कभी कुछ और कारण रह जाता है। तो बस जिस मकसद से मैं आई थी वही मकसद मैं करती रहती हूँ। एक छोटी से छोटी कील का भी जब मैं जुगाड़ करती हूँ ना, तो उसमें मेरी तसल्ली छिपी होती है इस बात की कि जो मैंने ठानी थी वो मैंने किया। अब मेरी जंगल नुमा बालकनी अगर आपके दिल को छुई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, और वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल का हिस्सा भी बन के ही जाइएगा। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो के साथ, अब तक के लिए धन्यवाद।